हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स में जो 2020 में अभी लेटेस्ट जॉब्स आई हैं वो कौन कौन सी हैं, तो हम चलते हैं अपनी वीडियोस की जाने। तो वीडियोस की जाने जाने से पहले मैं आप लोगों को अपनी वेबसाइट का बताता चलूँ कि अगर आप लोगों ने हमारी वेबसाइट विजिट करनी है तो smartjobspk.com पे जाके आप लोग डेली अपडेट्स जो जॉब्स के रिलेटेड होती हैं आप लोग जाके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को डेली अपडेट्स मिलती रहें। तो आप लोगों ने smartjobspk.com पे जाना है, तो जैसे आप लोग उस पर जाएंगे कि आप लोगों के सामने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स के लिंक आ जाएगा। आप लोग सिंपली उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप लोग उस पर क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने उसकी डिटेल शो हो जाएगी। तो हम रीड आउट कर लेते हैं कि इसकी डिटेल क्या क्या है, इसकी पोस्ट कितनी है, डेट ऑफ लास्ट डेट क्या है। तो 6 दिसंबर 2020 को एक्सप्रेस न्यूज़पेपर लाहौर में ये जॉब अनाउंसमेंट की गई थी। जॉब्स कैटेगरी जो है वो है गवर्नमेंट की। टोटल जो पोस्ट हैं वो है 13 और डिपार्टमेंट है जी पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स। और इसमें जो लास्ट डेट ऑफ अप्लाई की है वो है 21 दिसंबर 2020। इसके साथ हम इसके चेक कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है। पहले नंबर पे आ रही है जी मास्टर डिग्री हो, उसके बाद ग्रेजुएशन किया हो। थर्ड नंबर पे इंटरमीडिएट हो। फोर्थ नंबर पे मैट्रिक, मिडल और एंड पे आ रहा है प्राइमरी। यानी कि प्राइमरी से लेकर मास्टर डिग्री तक इसमें वैकेंसीज आई है। तो हम इसको मज़ीद रीड आउट कर लेते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी है और कौन कौन सा उसमें पे स्केल क्या है, सैलरी पैकेज क्या है। तो हम इसको पूरी डिटेल में देख लेते हैं। पहले नंबर पे आ रही है जी डायरेक्टर की है लीगल, PPS 9 है इसका जी, और ये BPS 19 स्केल के बराबर है। इसमें जी एक वैकेंसी है और एज जो लिमिट है वो है 32 से 40, यानी कि 32 साल से 40 साल तक इसकी एज लिमिट है। और इसमें जो सैलरी पैकेज है वो 175,000 यानी कि 1,75,000 इसका सैलरी पैकेज है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो है ला ग्रेजुएट फॉर अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि ग्रेजुएट किया हो, ला ग्रेजुएट किया हो किसी भी यूनिवर्सिटी से जो HEC से रिकॉग्नाइज्ड हो। उसके बाद जी कह रहे हैं जिन्होंने LLM किया हो इन इंटरनेशनल लॉ में उसको तरजीह दी जाएगी। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास आ रही है जी डिप्टी डायरेक्टर की, ये 18वें स्केल पे है और इसकी दो वैकेंसीज हैं, 25 से 35 साल इसकी एज और इसका जो सैलरी पैकेज है वो 1,25,000 है। इसमें भी ग्रेजुएट किया हो और LLM जो इंटरनेशनल लॉ है वो उसको प्रेफर किया जाएगा। थर्ड नंबर पे हमारे पास आ रही है जी डिप्टी डायरेक्टर की, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर है, ये 18वें स्केल पे है और इसकी एक वैकेंसी है, एज लिमिट जो है वो है 25 से 35 और इसकी सैलरी पैकेज भी 1,25,000 है। मास्टर डिग्री इन एट लेटेस्ट सेकंड डिवीज़न इन सोशियोलॉजी सोशल वर्क, प्रोजेक्ट मैनेजर और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन ऑफ यूनिवर्सिटी। यानी कि अगर आप लोगों ने मास्टर डिग्री की हुई है सोशियोलॉजी में, सोशल वर्क में या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में किसी भी HEC से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में, तो आप लोग इस पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ पे हमारे पास आ रही है जी लॉजिस्टिक्स रिसर्च ऑफिसर, 17वें स्केल पे है, एक वैकेंसी है और इसकी एज लिमिट 22 से 28 साल है
और 90,000 इसकी सैलरी पैकेज है। मास्टर इन इंटरनेशनल रिलेशनशिप में किया हो, लॉ और इक्विवेलेंट यानी कि लॉ किया हो किसी भी HEC से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में, LLM जिन्होंने किया हो इंटरनेशनल लॉ में, तो उनको तरजीह दी जाएगी। पांचवें नंबर पे हमारे पास आ रही है जी IT एक्सपर्ट, ये 17वें स्केल पे है और इसकी एक वैकेंसी है, 22 से 28 साल इसकी एज लिमिट है, 90,000 इसके बेसिक सैलरी पैकेज है, इसका सैलरी पैकेज जो है वो 90,000 है। कह रहे हैं जी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो इन IT मैनेजमेंट में, कंप्यूटर साइंस में हो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और रेलिवेंट डिस्क्रिप्शन, 2 साल का एक्सपीरियंस जिनका IT में होगा उनको तरजीह दी जाएगी। इसके साथ जी आगे हमारे पास आ रही है जी फिजियोलॉजिस्ट की है, एक वैकेंसी है और इसमें जो एज लिमिट है वो 22 साल से 28 साल है, इसका भी सैलरी पैकेज जो है वो है जी 90,000। MSc किया हो इन फिजियोलॉजी में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। 7वें नंबर पे हमारे पास आ रहा है जी लॉ ऑफिसर है, इसकी एक वैकेंसी है और इसमें एज लिमिट जो है वो है 22 से 28 साल, और इसमें जो एजुकेशन रिक्वायर्ड है वो है जी LLB किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और 2 साल का जो प्रैक्टिकल लॉ का एक्सपीरियंस होगा उनको तरजीह दी जाएगी। इसी के साथ जी 8वें नंबर पे हमारे पास आ रहा है जी मेडिकल स्टाफ की, नर्स हो, उसका जी स्केल 16 है, एक वैकेंसी है और इसमें एज लिमिट जो है वो 20 से 28 साल है, 60,000 इसकी बेसिक सैलरी है, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग में किया हो और 1 से 2 साल जो है एक्सपीरियंस हो जो कि रजिस्टर्ड नर्स के तौर पे। रिसेप्शनिस्ट जो है उसकी वैकेंसी आई हुई है तो ये 7वें स्केल पे है, एक वैकेंसी है और 18 से 25 साल इसकी एज लिमिट है, 20,000 इसकी सैलरी पैकेज है, सेकंड डिवीजन किया हो या सी ग्रेड के साथ बैचलर डिग्री में। 10वें नंबर पे हमारे पास आ रही है जी ड्राइवर की है, चौथे स्केल पे है, एक ही वैकेंसी है इसमें, इसका बेस सैलरी पैकेज जो है वो 16,000 है, 16,000 है, मिडिल पास और लाइसेंस जो LTV या STV जो रखते हैं उनको तरजीह दी जाएगी विद 2 ईयर्स एक्सपीरियंस वाले को। उसके साथ नीचे आखिरी हमारे पास आ रही है जी नैब का सीट की, 2 वैकेंसीज हैं, 18 से 25 साल इसकी एज रिक्वायर्ड है, 16,000 बेसिक इसकी सैलरी है जी, प्राइमरी से मिडिल पास होना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोग हमारे अगर ये देखना चाहते हैं कि इसकी मज़ीद डिटेल क्या क्या है तो आप लोग हमारी वेबसाइट विज़िट करें जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर कर लें ताकि आप लोगों को जॉब्स के रिलेटेड डेली अपडेट्स मिलती रहें। शुक्रिया।